गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन नंबर 11 इन ऑन अंडर नियर बिहाइंड फ्रॉम योर ग्रामर बुक। सो स्टूडेंट्स, डू यू नो इन ऑन अंडर नियर behind, what are these? Okay, I tell you, these words are called prepositions. Preposition means the words in, on, under, near and behind. In means may. On, ऊपर, under, किसी चीज़ के नीचे, under something, near, पास, behind, पीछे। The words in, on, under, near and behind tell us where a person, animal or thing is. They tell us about the position of a person, animal or thing. Okay? ये जो words हैं in, on, under, near, behind, ये हमें बताते हैं कि किसी person, animal or thing की position कहाँ है. Okay? बिना position के हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पे हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन द पिक्चर द फिश इज इन द पोंड. फिश कहाँ पे है? कहाँ में है? तालाब में. ओके, तो यहाँ पे इन मीन्स मी. Okay, in is preposition. Fishes जो हैं वो तालाब के अंदर हैं, तालाब में हैं. Okay. Next, the monkey is on the tree. Okay. Monkey कहाँ पे है? Tree के ऊपर. On means ऊपर. On क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन. ओके, द वियर इज अंडर द ट्री. वियर कहाँ पे है? ट्री के नीचे. अंडर मीन्स नीचे. यहाँ पे अंडर क्या है? प्रेपोजिशन. नेक्स्ट, द डियर इज नियर द वियर. ओके, डियर जो है वो वियर के पास है, तो यहाँ पे नियर क्या है? प्रेपोजिशन. द लायन इज बिहाइंड द बुशेस. बिहाइंड मीन्स पीछे. यहाँ पे बिहाइंड क्या है? प्रेपोजिशन. सो दीज आर प्रेपोजिशंस. ये हमें बिना प्रेपोजिशन के पता नहीं चलेगा कि फिशेस कहाँ पे हैं, एल्वियर कहाँ हैं, लॉयन कहाँ हैं. ओके, अगर हम ये प्रेपोजिशन के साथ नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी कहाँ पोजिशन है. सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रेपोजिशंस. ओके, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज A. Look at the picture, tick the correct answer. One has been done for you. Okay? जहाँ पे आपको pictures दी हुई हैं और यहाँ पे आपको उन्होंने three prepositions दी हुई हैं, आपने right preposition के ऊपर tick करना है.
ओके, कि कौन सी प्रपोजिशन कहाँ सूट करती है. सो लुक एट द पिक्चर. द रैबिट इज द ट्री. ओके, हमें ये आपको ये बताना है कि रैबिट जो है वो ट्री के पीछे है या ट्री के ऊपर है या ट्री के नीचे है. ओके, द रैबिट इज द ट्री. रैबिट ट्री के पीछे है, तो पीछे को हम क्या बोलते हैं, बिहाइंड. यहाँ पे बिहाइंड पे टिक करनी है. ओके, नेक्स्ट पिक्चर. द बॉय द बेबी इज डैश द टेबल. आपने बताना है कि बेबी जो है वो टेबल के नीचे है, ऊपर है कि टेबल के अंदर है. ओके, बेबी क्या है, टेबल के नीचे, तो नीचे को हम क्या बोलते हैं, अंडर. यहाँ पे अंडर पे टिक करनी है. ओके, अंडर क्या है, प्रपोजिशन. सो नेक्स्ट पिक्चर. द बॉय इज सिटिंग डैश द चेयर. ओके, बॉय किसके ऊपर बैठा है, चेयर के. ओके, ऊपर, तो ऊपर को हम क्या कहते हैं, ओन. द बॉय इज सिटिंग ओन द चेयर. ओके, नेक्स्ट. द एप्पल्स आर डैश द बास्केट. एप्पल्स क्या है, बास्केट के अंदर. अंदर को हम क्या बोलेंगे, इन. बास्केट में है ना सारे एप्पल्स. ओके, द एप्पल्स आर इन द बास्केट. नेक्स्ट, द ट्री इज डैश द पॉन्ड. ट्री, आपने बताना है कि ट्री पॉन्ड के पास है, ऊपर है या उसके नीचे है. द ट्री इज नियर द पॉन्ड. ट्री जो है वो पॉन्ड के पास है, उसमें नियर पे टिक करना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर प्रपोजिशंस. अगर आपको उसकी पोजीशन पता नहीं होगी कि कौन सी पोजीशन कहाँ लगानी है, सॉरी, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है, तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा बिना प्रपोजिशन के. ओके, ओके स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ प्रपोजिशंस.